नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं युद्ध घोष। लोकसभा चुनाव पूरे जोशो खरोश पर है और आज राहुल गांधी ने अमेठी से नामांकन किया है। जी हां, गढ़ में गांधी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि आज अमेठी में क्या कुछ हुआ। अमेठी से राहुल का नामांकन, चौथी बार चुनावी मैदान। अमेठी से राहुल का मुकाबला भाजपा की स्मृति से। राहुल 2004, 2009 और 2014 का चुनाव अमेठी से जीते थे। नामांकन के दौरान सोनिया और प्रियंका भी रही मौजूद। 15 साल से अमेठी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राहुल। कल स्मृति ईरानी का भी नामांकन है। तो वीवीआईपी नामांकन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं अमेठी में। अमेठी में पांचवें चरण में यानी कि 6 मई को मतदान किया जाएगा। तो स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जोर से आभार व्यक्त करता है कि जिस अमेठी को 15 साल तक एक लापता सांसद झेलना पड़ा, जिस अमेठी की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने, आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक होगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़ का मतदान कल यानी 11 अप्रैल को 91 लोकसभा सीटों के लिए होने जा रहा है। बाकी चरणों के लिए धड़ाधड़ नामांकन भी जारी है, जिसके मद्देनजर आज अमेठी से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने नामांकन किया। उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और बहनोई रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। आपको बता दें, राहुल चौथी बार यहां से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। इससे पहले 2004, 2009 और 2014 में वो अमेठी से सांसद रह चुके हैं। कल भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी भी अमेठी से नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल से 1,07,903 मतों से हार गई थी, जबकि पूरे देश में मोदी लहर का कहर मचा हुआ था। अब देखना यह है कि क्या इस बार भी राहुल का जादू चल पाता है या नहीं, क्योंकि भाजपा भी अमेठी में पूरी तरह से जान फूके हुए है। हालांकि अमेठी कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। हमारे साथ आज चर्चा में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, आइए आपका परिचय उनसे कराते हैं। इंडिया वॉच से पॉलिटिकल एडिटर आलोक वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से रफत फातिमा जी हैं, अनुराग यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़ी हैं। आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। तो भाजपा अंतिम बार अमेठी में 1998 में जीती थी और संजय सिंह यहां से सांसद बने थे। उसके बाद कभी भाजपा यहां नंबर दो पर भी नहीं पहुंची, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा यहां नंबर दो पर रही। तो सवाल यह है कि क्या राहुल एक बार फिर अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। हम सीधे चलेंगे, हमारे साथ अनुराग यादव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, अमेठी में क्या लगता है, आपको स्मृति टक्कर दे पाएंगे राहुल को? देखिए, अगर हम 2014 से इसकी तुलना करें तो 2014 एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जबरदस्त मोदी जी की लहर थी और प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्हें देखा जा रहा था। और जहां राहुल गांधी की हम बात करें तो राहुल गांधी उस समय प्रधानमंत्री की दौड़ में तो शामिल थे, लेकिन उतना प्रभावी चेहरा नहीं थे। उससे कहीं बड़े नेता विपक्ष में मौजूद थे और लग रहा था कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो हो सकता है कि राहुल गांधी का नंबर नहीं आएगा। लेकिन आज पूरी तरीके से सीन बदला हुआ है। आज अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में राहुल गांधी को देखा जा रहा है। आज जब वो नॉमिनेशन कर रहे थे तब भी वहाँ की जनता जो नारे लगा रही थी वो उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। तो दो चीज़ें जो बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी लहर के बावजूद राहुल गांधी ने उस सीट को अपनी बचाया और 1 लाख से अधिक के मार्जिन से उन्होंने जीता। रफत जी, दूसरी रफत जी, गढ़ है आपका अमेठी, गांधी परिवार का गढ़ है, गढ़ में गांधी परिवार आज था। पहली प्रतिक्रिया तो आपसे ये लेना चाहूंगा कि आज जो दृश्य आपने देखा क्या लगा, क्योंकि पूरी एक नई फैमिली भी वहां पे मौजूद थी,
प्रियंका गांधी के बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। देखिए जाहिर है अमेठी और रायबरेली दोनों ही राहुल गांधी जी का एक परिवार कह लीजिए आप, कि उनसे इतना मतलब इतना ज़्यादा लगाव वहाँ की जनता को है कि इनको वहाँ का अपना बच्चा मानते हैं, वहाँ के बिल्कुल परिवार की तरह ये लोग हैं, तो इतना भावनात्मक लगाव है, तो वहाँ की जनता में आज जोश देखने को मिला। जैसा कि आज रोड शो हुआ तो उसमें जनता का जो जोश और मनोबल बढ़ाना तो वो बहुत बड़ा एक सकारात्मक पहलू है, और लगातार वहाँ से राहुल जी जीते भी हैं तो वहाँ से कोई भी ऐसी संभावना नहीं है कि बीजेपी की इतनी लहर होने के बावजूद। क्या बात करती रफत फातिमा जी, केरल किस लिए भाग गए फिर? केरल भागे नहीं है, वहाँ की जनता ने भी उनको जो है वहाँ एक तरीके से वहाँ उनको मतलब वहाँ की जनता का एक मानना है कि वहाँ अगर राहुल जी आएंगे तो एक बड़ा बदलाव वहाँ भी आएगा, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब है कि दोनों को साउथ को भी लेके चलना है, राहुल जी को कुछ सब वो जो आपके... सारी जनता को लेके चलना है, भागने की बात नहीं। मोदी जी जब दो बार चुनाव लड़े थे दो जगह से तो उसके वो उनको क्या कहा जाएगा भागने के लिए? ऐसी पता नहीं कितने कद्दावर नेता ऐसे हैं जिन्होंने दो दो जगह उसी तरीके से डर गए। डरने की कोई बात नहीं, दोनों जगह ही भारी बहुमत से जीतेंगे आप देखिए। नहीं सवाल ही नहीं है मैम, सवाल ये है डरने की कोई बात नहीं, सवाल ये है कि अमेठी आपका अपना क्षेत्र था, बिल्कुल, जो आपके विरोधी कह रहे हैं इस दो जगह से चुनाव लड़ने के पीछे वजह ये गिना रहे हैं कि 2014 के इलेक्शन में वहाँ आम आदमी पार्टी भी थी, कुमार विश्वास जैसा अनजाना नेता भी था, स्मृति ईरानी भी थी, इसके बावजूद राहुल गांधी करीब 1 लाख के आसपास वोटों से जीत पाए। तो अब क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी नहीं खड़ी हुई है इस बार, तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी सीधा सीधा टक्कर देंगी और इसकी पूरी संभावना बनेगी कि राहुल गांधी को इलाके से हरा दें। आलोक जी आपकी कहीं बहुत ज्यादा वोट से राहुल जी जीतेंगे, क्योंकि वो एक देखा जाए भुलावा था छलावा था जो जनता को इन लोगों ने छला है, जिस तरीके 2014 एक करिश्माई हम कहेंगे पूरे देश के लिए, एक ये देखा जाए दुसपना कहेंगे इसको हम, कि जिस तरीके से मोदी लहर थी, मोदी जी ने जिस तरीके से विश्वास ठगा है लोगों का, अब वो पूरा आप बदलता हुआ देखेंगे। अब फातिमा जी की मजबूरी है वो नहीं नहीं आप सिनेरियो पूरा बदलेगा देखिएगा, मेरी मजबूरी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी अमेठी में आज गए, इससे पहले केरल चले गए थे नामांकन करने, क्या मजबूरी क्या आ गई ऐसी, ऐसा कौन सा डर बैठ गया उनके भीतर? नहीं देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भी तीन जगह से लड़ चुके हैं, मोदी जी भी लड़ चुके हैं, वो अलग बात है कि दो जगह से तीन जगह से, तब उनके भीतर भी डर रहा होगा, तब उनके भीतर भी डर रहा होगा, तभी तो वो दो जगह से चुनाव लड़े थे। डर क्या कहीं से लड़ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमेठी में मैं गई थी बीच में, अमेठी में फाइट टफ है, समझे आप, फाइट टफ है इस बार, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से बहुत कुछ प्रियंका ने संभाला है, इसको आप बात तक नीचे तक जाके देखेंगे तो उस बात को समझ में आएगा। ये जो कांग्रेस के पास देखिए एक तो संगठन नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी इनकी संगठन नहीं है, लेकिन अमेठी और रायबरेली यहाँ इनके पास संगठन है जो काम कर रहा है, क्योंकि बराबर ये जीतते आए हैं, मुझे लगता है उस संगठन को जो थोड़ा सा शिथिल हो रहा था प्रियंका ने उसको काफी धार दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि जीतेंगे तो राहुल गांधी। ये महसूस आपने क्यों किया कि आपकी जो वहां फाइट होगी वो टफ होगी, क्यों ऐसा आपको लगा? मैंने लोगों से जाके बात किया, मैंने पूरे दिन मैं अमेठी में रुकी, मैंने लोगों से बात किया कांग्रेस के की बहुत जिम्मेदार लोगों से, उनसे भी वहां बातचीत हुई मेरी, और मैंने घूम के देखा कि लोगों में बातचीत से देखा, लोगों से बात करने के बाद ही मैं बता रही हूँ कि फाइट टफ होगी लेकिन जीतेंगे राहुल गांधी, क्योंकि लोगों ने बाद में जो लोग बात कर रहे थे वो कह रहे थे लेकिन हम वोट इन्हीं को देंगे। शिकायत क्या है? शिकायत लोगों की बहुत सी थी, उनकी शिकायत थी कि जितना उन्होंने सोचा था उतना नहीं किया गया अमेठी में, और किया जाना चाहिए था बहुत से, लेकिन उसको शायद प्रियंका ने बहुत संभाला कि भाई जाहिर है अब स्टेट में भी हम नहीं हैं और सेंटर में भी हम नहीं है, जब सेंटर में हम थे देते थे तब भी स्टेट उसको जी, जिस टफ फाइट की आप बात कर रही हैं, हाँ। तो वो किस तरीके की फाइट, कौन टक्कर देने जा रहा है राहुल गांधी स्मृति को, और कौन से जो लोग हैं क्या जो पिछली बार आम आदमी पार्टी को जिन्होंने सपोर्ट किया था वो वोटर इनकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा या फिर क्या होने वाला है? नहीं देखिए वोटर अमेठी के ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ कर दिया, स्मृति ईरानी ज्यादा बार गई एज कम्पेयर टू राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी नेशनल प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, तो जाहिर है उनकी और जिम्मेदारियां थी, लेकिन टाइम ज्यादा राहुल गांधी ने बिताया वहीं पर, लोगों ने कहा वो दो दिन तीन दिन उनका जो गेस्ट हाउस है उसमें आके वो रुकते हैं, लोगों से कनेक्ट करते थे, तो जाहिर है उसका कुछ तो असर होगा। देखिए और ये आप का वोट जाएगा कि किसका जाएगा, मैं कहूंगी रायबरेली की जनता वोट दे रही है इस बार, फिर वो राहुल गांधी को ही वोट दे रही है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ वहां देखने और समझने के बाद, जबकि मैंने कहा ये फाइट टफ है।
फातिमा जी हालात बहुत अच्छे नहीं है, फाइट टफ है। आलोक जी आपको लग रहा है ऐसा कि हम बिल्कुल नहीं इसको वो, ये अपना ताहिरा जी का अपना व्यू है, वो देख के आई हैं, लेकिन हमारा पूरी तरीके से हमको यकीन है राय अमेठी की जनता पूरी तरीके से राहुल जी को सहयोग करेगी। और जिस तरीके से वहाँ के जो भी जी, अभी आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास ज़्यादा जो भी वहाँ के ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वहाँ इन लोग की जो बीजेपी सरकार है वो बदले की भावना से काम करती है। अगर वहाँ पे किसी का जो है कोई भी वहाँ पे जो प्रोजेक्ट थे वो कैसे बंद करा दिए गए। रफत जी, बीजेपी तो आरोप लगाती है कि जो झोपड़ी आपकी राजीव गांधी के टाइम थी वो झोपड़ी आज तक वहाँ पे बरकरार है। आप ये देखिए वहाँ पे जितनी भी जो चीजें थी वो सिर्फ राहुल जी के और कांग्रेस सरकार ने ही वहां पे करी है। अगर फोर लेन आप वो देख लीजिए, जो रोड्स बनी है वो भी कांग्रेस ने ही बनवाई थी। अगर आप वहां पे जो देख लीजिए, ये महारत्न और नवरत्न नाम के तीन सार्वजनिक उपक्रम थे वो भी वहां से बनाए, लेकिन इन लोगों ने सब कुछ मिटा देने की कसम खाई थी, क्योंकि विकास के जो दावे पूरे देश के लिए करे गए थे वो अमेठी रायबरेली तक कैसे पहुंच पाते। जब आप देश की बात करें तो पूरे देश में आज हालात देख लीजिए, सिर्फ विकास के झूठे वादे झूठे छलावे जिस तरीके से करे गए तो अमेठी रायबरेली उससे अछूता नहीं है। सिर्फ बदले की भावना, इस सरकार को कुछ नहीं करना, चाहे स्मृति ईरानी 10 बार जाए 20 बार जाए, लेकिन होना कुछ नहीं है। अनुराग यादव जी, करिश्मा मोदी का बोलेगा, स्मृति की मेहनत बोलेगी? देखिए करिश्मा की जो बात कर रहे हैं, करिश्मा तो 2014 के दौर में था जब 73 सीटें उन पूरे एनडीए ने प्राप्त की थी। आज कहीं पर भी दूर तक नहीं दिखाई पड़ता कि ये अपना पुराना परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे। ठीक है, तो करिश्मा तो टूट चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज़ जो अभी आप बात कर रहे थे कि दो जगह से चुनाव लड़ने की, तो इसमें जो मुझे समझ में आता है कि ये एक स्ट्रेटजी के तहत राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को साफ दिखाई पड़ रहा है कि यूपी बिहार और ये जो नॉर्थ बेल्ट से वो उतनी सीटें नहीं प्राप्त कर पाएगी, तो वो साउथ की तरफ उसने अपना पूरा फोकस कर दिया है। तो राहुल गांधी भी इस स्ट्रेटजी को समझते हुए उन्होंने भी साउथ की एक सीट को चुना है, जिससे वो अपने तीन स्टेट जो साउथ के बड़े स्टेट हैं उनको कवर कर सके और साउथ में ये एक मैसेज दे सकें कि देखिए प्रधानमंत्री जो अगला बनने जा रहा है वो हो सकता है वो साउथ का ही आदमी हो। तो ये एक बड़ा मैसेज होगा जो कहीं ना कहीं बीजेपी को की जो अपनी रणनीति है उसको ध्वस्त करेगा। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा भी हम लोग कयास लगा रहे हैं कि ये एक रणनीति हो सकती है, चूँकि प्रियंका गांधी राजनीतिक जीवन में आ गई हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा था कि अब की वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये महसूस किया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी दोनों जगह से चुनाव जीतते हैं तो ये आपकी अमेठी वाली सीट खाली करके वो प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ के और सीधे तौर पर वो सक्रिय पॉलिटिक्स में एंट्री ले लेंगी। तो ये जो दो मुख्य बिंदु हैं ये महत्वपूर्ण हैं। देखिए प्रियंका जी के आने से पूरा बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश भी आया है, पूरी पार्टी में एक नई स्फूर्ति आई है। तो हम मानते हैं प्रियंका जी के आने से बहुत बड़ा, क्योंकि वैसे तो वो काम पार्टी के लिए हमेशा करती नहीं, लेकिन अब ऑफिशियली तरीके से वो राजनीति में उन्होंने आ गई हैं तो बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में भी जोश भी है। और साथ ही ये भी हम कहेंगे बहुत बड़ा ये बदलाव आएगा। आप 2019 का जो उस दिन भी हमें बुलाइएगा, आप जिस दिन यहाँ रिजल्ट आए उस दिन आप देखिएगा पूरा सिनेरियो बदलता हुआ नजर आएगा आपको। आप किस तरह से देख रहे हैं राहुल गांधी जो दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अनुराग भाई ने बड़ी बात कही नहीं बिल्कुल, अगर दोनों जगह से वो जीत जाते हैं तो हाँ। एक सीट छोड़ेंगे और हाँ, ये बात काफी आ रही है कि वो एक सीट छोड़ के प्रियंका गांधी को देंगे। मैं सोचती हूँ कि अच्छा डिसीजन होगा। और एक और बात जो अनुराग जी ने कही वो मैं उस पर ज्यादा एम्फेसिस है मेरा कि देखिए बीजेपी के टाइम में साउथ एलिनेशन में थोड़ा था, ये राहुल गांधी ने बताया कि नहीं इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, उनको ये एलिनेशन से निकालने वाली बात भी यहाँ पे है। राहुल गांधी इसलिए भी वहाँ खड़े हुए, इसको इस तरह से ना देखा, जैसे मैंने कहा मैं खुद देख के आई हूँ राहुल गांधी वहाँ जीत रहे हैं, इसके सब के बावजूद मैंने कहा टफ फाइट है उसके बावजूद वो जीत रहे हैं, इसका मतलब है कि जनता अभी भी उनमें विश्वास कर रही है। ताहिरा जी, राहुल गांधी में विश्वास कर रही है। ताहिरा जी सवाल आपसे ये है कि जाहिर सी बात है गांधी परिवार का गढ़ अमेठी माना जाता रहा, लेकिन संजय गांधी भी वहां एक चुनाव हार चुके हैं। आपको याद होगा शायद 1977 में चुनाव हुआ था और रविंद्र प्रताप सिंह थे बीएलडी से वो चुनाव लड़े थे, उन्होंने संजय गांधी को हराया था वहां पर। तो स्थितियां कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है, आपने जिस तरीके से कहा था कि टफ फाइट है, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि भाजपा पिछले चुनाव के अलावा एक चुनाव सिर्फ अमेठी में जीती है 1998 में, वो भी संजय सिंह वहां पर सांसद। स्मृति ईरानी मैंने कहा कई ज्यादा टाइम्स है एज कम्पेयर टू राहुल गांधी,
राहुल गांधी ने समय ज्यादा दिया, स्मृति ईरानी गई और आई वहां पे कुछ करती वो जाके, किसी तरह का कोई योजना लेके जाती। अब वो योजना उन्होंने एक वो राइफल बनाने जा रहे हैं वहां पर, मशीनें बांटी हैं, 7 लाख राइफलें उन्होंने बताया कि वो पहले से थी वो, ये भी तो आप देखिए जो चीजें अच्छा। पुरानी जो है आप उसी पे फीते काट रहे हैं, उसी का जो है इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कितने शर्म की बात है, लगातार आप कर रहे हैं ये। स्मृति ईरानी के खांचे में नहीं डाल सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि सिर्फ उन्होंने मशीनें बांटी। मैंने वहां पूछा लोगों से, इसके अलावा कोई स्मृति ईरानी ने ऐसा कोई सॉलिड पॉजिटिव काम वहां नहीं किया। अगर स्मृति ईरानी करती तो जाहिर है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोग जनता उनकी तरफ खींचती जाती, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया। इसीलिए लोग बहुत सी चीजें उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी और ये भी करते, लेकिन नहीं किया। ये उनकी कुछ कुछ की शिकायतें हैं, लेकिन वो लोग प्रियंका गांधी की तरफ भी बहुत देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इस सीट को छोड़े, मुझे लगता है, उस पर प्रियंका दोबारा यहाँ से कंटेस्ट। अमेठी में आप इमोशनल कार्ड खेलते हैं, बार बार खेलते हैं। इस बार जो आप प्रियंका गांधी के बच्चों को ले आए रोड शो में, कहीं ना कहीं क्या दिखाने की कोशिश आप कर रहे थे? इमोशनल कार्ड खेल रहे थे आप वहां पे। आपका सोचना है कि इमोशनल कार्ड, ऐसा नहीं है। किसी भी अगर आप देखिए कि पगब जो परिवार से जुड़ा होगा, जो परिवार की जिम्मेदारियां निभाता होगा, वो जरूर अपने परिवार को दरकिनार नहीं कर सकता, वो परिवार उसके साथ चलेगा। अब जो लोग परिवार को साथ ही नहीं चलते लेकर, जो किनारे लगाए हुए हैं, उनकी तो छोड़ दीजिए, लेकिन पहले परिवार होता है, परिवार की जो जिम्मेदारी निभाएगा वही देश की जिम्मेदारी निभा सकता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होगा जो परिवार को किनारे कर दे वो देश की जिम्मेदारी क्या निभाएगा। तो इसलिए सबको लेकर साथ चलने का यही एक वो होता है, ये नहीं कि खाली कहते रहो कि सबका साथ सबका विकास, पहले तो परिवार को भी आप साथ लीजिए। जब परिवार को साथ लेके चलेंगे तो रावत जी को आप आगे प्रत्याशी बना सकते हैं क्या? अगर वायनाड दोनों सीटों में से कोई बनाया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनपे बहुत सारी जांचें चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन अभी जब तक जो चीजें चल रही है वो अभी सामने नहीं आई है, तो क्यों नहीं, वो परिवार का हिस्सा है। रॉबर्ट वाड्रा हैं, इसलिए शायद बहुत काम ना आए, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में गांधी नाम, जो गांधी सब नेम है, कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरे भी नाम है, आप देख लीजिए, गांधी परिवार से और भी बहुत सारे लोग जुड़े रहे, लेकिन सियासत में बहुत कुछ बेहतर नहीं कर सके। अनुराग यादव जी, ये जो एक नई पीढ़ी भी आई है साथ में, क्या दिखाने की कोशिश थी आज, क्या बताने की कोशिश थी आज? देखिए, एक तो बड़ा स्पष्ट मैसेज आज कांग्रेस ने ये दिया है कि रॉबर्ट वाड्रा के मामले में वो डिफेंसिव नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा, पहले लोग ये सोच रहे थे कि आज हम लोग भी ये कयास लगा रहे थे कि शायद रॉबर्ट वाड्रा जी आज के जुलूस में, जो उनका नामांकन जुलूस है, उसमें नहीं होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता होगा कि वो आएंगे तो चर्चा होगी और इस तरीके की बात होगी। लेकिन ये बड़ा अच्छा मैसेज कांग्रेस ने दिया कि वो कहीं पर भी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर डिफेंसिव नहीं है, और उसने प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा और उनकी पूरी फैमिली नजर आई। तो एक क्लियर कट मैसेज है कि कांग्रेस जो अभी तक प्रियंका गांधी जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनके पूछताछ इंक्वायरी के दौरान खड़ी थी, आज भी कांग्रेस, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जो अभी बात ये हो रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में आ सकते हैं, तो एक बार चर्चा भी बहुत तेजी से चली उनकी, मुरादाबाद कई बार इंटरव्यू में कह भी चुके हैं, कह भी चुके हैं, इशारा भी कर चुके हैं कि उनकी इच्छा है राजनीति में आने की। तो आज उनको पेश करने की कोशिश की गई कि उनके बच्चों को पेश करने की कोशिश की गई? नहीं, इशारा क्या दिखा आप? हाँ देखिये, इशारा तो बिल्कुल ही है, और दूसरा जो अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं ये वंशवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का भी एक वो है कि साफ दिखाया जा रहा है कि इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा है और रॉबर्ट वाड्रा के बाद उनकी फैमिली भी है, ये इसका भी एक इशारा है, और रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में आ सकते हैं, ये क्लियर मैसेज। अनुराग जी, एक सवाल आपसे ये है कि देश का सबसे बड़ा घराना जिसके घर से इतने प्रतिनिधि अमेठी से रहे, उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि अमेठी का विकास उस तरीके से हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था? बहुत बहुत सुंदर सवाल आपने किया है। देखिए, जो अभी आलोक जी भी इमोशनल कार्ड खेलने की बात कर रहे थे, ये अमेठी का दुर्भाग्य रहा है कि इतना बड़ा परिवार, जो हम कहें देश का सबसे बड़ा परिवार, इशारा कर दे तो हालत बदल जाए। जी हाँ, बिल्कुल, हालात बदल जाए। भाई आप यूपी को देखिए, यूपी में हमें याद आता है एक समय था मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर होते तो बेनी प्रसाद वर्मा उनके कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन वो मंत्री बने और बाराबंकी के गाँव गाँव तक सड़कें का जाल बिछ गया। लोग कहते थे कि यार अगर सड़कें देखनी है तो चलिए आप चल के वहां पे बाराबंकी में देखिए। लेकिन एक कांग्रेस की 10 साल तक लगातार सत्ता रहने के बावजूद जिस तरीके से ये क्षेत्र डेवलप होना चाहिए था, बिल्कुल ये अमेठी का दुर्भाग्य। अच्छा, लोग हम सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि जनता भी वहां इस चीज पर गौर नहीं करती। वो देखिए, 10 साल गए, 5 साल स्मृति ईरानी
वहां से चुनाव लड़ी। बीजेपी के पास बहुत अच्छा मौका था कि अगर वो 5 साल यहाँ पर काम करती, जैसा कि मोदी जी बिल्कुल विकास पुरुष के रूप में उभरे थे और स्मृति ईरानी को, मोदी जी भी तो अपना गांव नहीं देख पाए। हाँ। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया था शुरुआती दौर में। राजी, आपको रोकना चाहूंगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए युद्ध घोष। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आइए आपका परिचय उनसे कराते हैं। नारायण श्रीवास्तव जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अमेठी में आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने नामांकन किया, क्या आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है वहां पर एक बार फिर उसी तरीके से वो बहुमत से जीत हासिल करेंगे या नहीं करेंगे। नारायण श्रीवास्तव जी आपके पास आते हैं सीधे सीधे, क्या लगता है, आपने तो वॉक ओवर दे रखा है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आप उनके खिलाफ एक आपकी रैली हुई थी लखनऊ में, रैली हुई थी, आप कांग्रेस पर भी मुखर दिखे थे, फिर खबरें आई कि आप कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अमेठी में क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपकी रणनीति? नारायण जी, देखिए जो रैली हमारी हुई थी, हमने कांग्रेस से बात किया था कि भाई हमको भी आप साथ में ले लीजिए, हमें भी कुछ सीटें दे दीजिए, मैं आपके साथ मिलकर लड़ूंगा, उत्तर प्रदेश की तकदीर और नक्शा बदल के हम आपको देंगे। राहुल और सोनिया मतलब प्रियंका ने इस पर कोई विचार नहीं किया, बस कहते रहे कि हाँ हम आपको साथ में लेंगे, साथ में लेंगे, साथ में लेंगे, करते करते उन्होंने जो है बसपा से भी गठबंधन करना चाहा और सपा से भी गठबंधन करना चाहा, कांग्रेस ने नहीं किया, और उसका परिणाम ये भुगतेंगे कांग्रेस जो है। हमको लगता है नरेंद्र जी अमेठी पीछे की वजह कुछ और थी, आपके चरित्र पे असल में कांग्रेस को शक था, कांग्रेस से शिवपाल, अरे मेरी बात सुन तो लीजिए, शिवपाल यादव जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट लिया, चाहे वो अपने किसी रिलेटिव को की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, चाहे बंगले के लिए, चाहे अपने बंगले के लिए, दफ्तर के लिए, या फिर सुरक्षा के लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा था कि 2-4 सीटें अगर उसकी मदद से आप जीत जाएंगे तो कब आप भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। देखिए भाई साहब, बड़े भैया, ऐसा कोई मतलब नहीं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, लोग कहते थे कि सवाल कहा तो यही गलत है, मैंने कहा ना कि आप गलत, जिसने भी कहा चरित्र पे सवाल है आपके, चरित्र क्या खराब, हमारे नेता जैसे बढ़िया चरित्र किस नेता का चरित्र बहुत बढ़िया है, बहुत आप सब लोग कहते हैं कि चरित्र यही ना, चरित्र किसका चरित्र अच्छा है, आप थोड़ा सा भाषा को समझिए, राजनैतिक चरित्र की बात कर राजनैतिक चरित्र की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत चरित्र की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक चरित्र की बात है कि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे आप। सुनिए नरेंद्र भाई जी, राजनीतिक चरित्र की बात कर रहे हैं कि शक ये कांग्रेस के रणनीतिकारों को शक इस बात का था कि आप उसकी मदद से जीत जाएंगे तो आप किस पाले में चले जाएंगे पता नहीं है किसी को। अरे आज जो भी जीतेगा किस पाले में जाएगा ये कोई जानता है, कोई भी नहीं जानता है। अनुराग भाई बताइए क्या वजह थी इनको तवज्जो जरा सी, पहले तहरा मैम बोलना चाह रही हैं, बताइए मैम क्यों तवज्जो नहीं मिली इनको जरा भी। कांग्रेस ने इसको काफी ठीक से देखा समझा फिर इनको मना किया, क्योंकि जाहिर है इलेक्शन के बाद जब एक कोई महागठबंधन तैयार होगा, ये जो भी एक कोलिजन तैयार होगा उसमें सपा होगी, ठीक है, बसपा भी होगी, बसपा के लिए लोग कहते हैं जा सकती है, लेकिन सपा तो होगी ना जो इनके साथ रहेगी, सपा के लिए तो कोई नहीं कह सकता कि वो भाजपा में जा रही है, तो जाहिर है सपा को देखते हुए, एक वाइडर उसको देखते हुए ही कांग्रेस ने मुझे लगता है बहुत प्रूडेंट डिसीजन लिया। अनुराग भाई जी देखिए, अलोकी ये जब बात गठबंधन की चल रही थी तो एक समय ऐसा भी आया था कि कांग्रेस पूरे मूड में आ गई थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने, कि प्रियंका गांधी और शिवपाल सिंह जी साथ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और घोषणा हो जाएगी और एक तीसरा गठबंधन यहाँ यूपी में दिखाई पड़ेगा, त्रिकोणीय लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दुर्भाग्य कहा जाए कि उस दिन पुलवामा वाली घटना हो गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई, या कांग्रेस का सौभाग्य कहा जाए। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी बात यह हुई कि ये मैसेज लीक हो गया,
और ये मैसेज लीक हो के जब सपा बसपा गठबंधन के पास पहुंचा तो तुरंत इनको एक वहां से एक वार्निंग मिल गई, एक चेतावनी मिल गई। प्रोफेसर राम गोपाल ने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी किया कि अगर कांग्रेस यहां पर यूपी में ज्यादा हाथ पैर मारती है तो हम अमेठी और रायबरेली दोनों जगह कैंडिडेट उतार देंगे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी और कांग्रेस ने अपने को समेटा और इसके बाद उसने इनसे संबंध थोड़े से दूरी बनाई। शिवपाल जी आखिरी समय तक इस कयास में रहे कि हमारा कांग्रेस से गठबंधन हो जाएगा और उसका नतीजा ये रहा कि इन्होंने जो छोटे 60 दलों को लेकर जो एक सेकुलर मोर्चा बनाया था उसको भी साथ में जोड़ने में ये असफल हो गए और आखिर में यही हुआ कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अकेले ही अपने प्रत्याशी उतारने पड़े। ताहिरा जी आप भी राज खोलिए कुछ, बहुत राज खोल रहे हैं इस समय। हाँ नहीं नहीं, जो अभी अनुराग जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि दो खड़े भी कर देते वो रायबरेली और अमेठी में तो ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं होने वाला था। देखिए मैंने कहा आपसे इलेक्शन के बाद कांग्रेस और सपा ये दोनों एक ऐसी सेकुलर पार्टियां हैं कि ये ऐसा नहीं है कि भाजपा के साथ जा रही हैं। बसपा भी उम्मीद हम करते हैं कि नहीं जाएगी, लेकिन ये इनको आगे चल के अपना गठबंधन के साथ बनाना था, ये प्रूडेंट डिसीजन था, कांग्रेस ने सोच समझ के डिसीजन लिया था। इसमें एक सवाल हम करना चाहेंगे कि अगर आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बीजेपी से जुड़ा हुआ मानते हैं तो बहुजन समाज पार्टी भी उसी घेरे में आती है। बिल्कुल, उसने जाकर मोदी जी का प्रचार गुजरात में किया और समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं उन्होंने तो साफ संसद में बोला कि मैं दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना चाहता हूं। बसपा अगर चली जाती है, देखिए अगर राजनीतिक चरित्र की बात करें तो तीनों पार्टियां लगभग, अनुराग भाई बसपा का बहुत कुछ खोने के लिए है। केवल लोकसभा इलेक्शन नहीं है, इसके बाद विधानसभा इलेक्शन भी आएगा। मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं अगर बसपा चली जाती है तो कहीं ना कहीं शक की निगाहों से देखेंगे और बसपा के पास अब बहुत वोट बैंक अपना भी नहीं रह गया, उसके जो अपने दलित वोट बैंक वो भी खिसक रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अगर वो कांग्रेस का विकल्प मिले और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प मिले तो कांग्रेस का विकल्प छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विकल्प वो नहीं अपना सकती, उसे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, उसे अपने वजूद के लिए कांग्रेस में रहना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ नहीं, आगे एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ। आपने कहा वहाँ बिल्कुल सही है, बसपा ने जाके कैंपेन भी किया था मोदी जी के लिए, सब किया था, लेकिन एक जो पूरा भ्रम खड़ा किया गया है प्रगतिशील पार्टी के लिए कि इसको बनाया ही भाजपा ने है। देखिए बिल्कुल, और उस पर ताहिरा जी बाकायदा आरोप लगे हैं कि बीजेपी ने ही फंडेड किया है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को। सर एक बड़ा सा बंगला आपने ले लिया, बंगला उस बंगले उस न्यारे बंगले पे, उस न्यारे बंगले पे सबका ध्यान था, बाकी आपके सहयोगी दल कब से मांग रहे थे भैया हमको भी दफ्तर दे दीजिए, मंत्री बना दिया आपने। अरे सर अच्छा कांग्रेस के साथ ना जाने की क्या वजह रही? तड़प रहे हैं, अपना दल भी तड़प रहा है। नारायण श्रीवास्तव जी ऐसा नहीं है, ये सब अफवाह है, एक मनगढ़ंत कहानी है कि हम बीजेपी से मिलकर टू भाग है ये है। अच्छा कांग्रेस के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ रही थी, फिर साथ क्यों नहीं गए, उसका जवाब दे। नरेंद्र भाई ये बताइए, इतना खुश भारतीय जनता पार्टी या योगी जी या जो भी आप कह लीजिए, वो शिवपाल जी पे इतना रहमोकरम क्यों हो गया भाई? अरे भाई रहमोकरम क्या हो गया ये बताइए, 40-50 सीट पर हम लड़ रहे हैं पूरे उत्तर में, आप लड़िए, आप सभी पूरे देश में लड़िए सर, पूरे देश में हमारी सीटें भी आ रही हैं, हमारी सीटें, ये थोड़ो कि हम भाग। अरे आप पूरे देश में लड़िए सर, वो आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, बीजेपी से भी 60 नहीं, नहीं मुझे ये बताइए, अभी अभी जुम्मा चार दिन, जुम्मा चार दिन आपकी पार्टी खड़ी हुई है, आपको बड़ा की बात करते हैं। अरे आपने प्रत्याशी नामांकन करवाया नहीं, शुभम सारी जांच आपकी बंद हो गई, एक बड़ा अरे बड़ा सा सवाल खड़ा था सर, जब योगी जी आए थे तो एक बड़ी सी जांच होनी थी। अरे मेरी बात सुनिए, पत्रकारिता बिरादरी के भीतर की बात बता रहा हूं आपको, एक किसी चीज की जांच होनी थी, योगी जी ने भी कहा था कि जांच कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहा था जांच कराएंगे, जांच वांच कुछ हुई नहीं, जाने दीजिए उसको, रहमोकरम इफराद रहमोकरम रहा, बड़ा सा बंगला उनको मिल गया, सुरक्षा मिल गई उनको,
कुछ एक रिश्तेदार को जो है जहां वो चाहा वहां उनको उनको कैडर उनका कैडर चेंज हो गया, तो आपके ऊपर जो अरे सुन तो लीजिए और सपा पे मेहरबानी भी अभी तक आपकी है। आपने कन्नौज सीट से जिस तरीके से सुनील राठौर को प्रत्याशी बनाया और नामांकन करवाया नहीं आपने बहू रानी के खिलाफ, इतने कम वक्त में जो रहमो करम आपके ऊपर हुआ ना उससे कांग्रेस ने आपके ऊपर कांग्रेस को आपके ऊपर शक हो। अरे आप बताइए ना रफत फातिमा जी, रफत फातिमा जी मौजूद है ना, दुनिया से सवाल कर रहा हूँ। अपना दल से आपने गठबंधन कर लिया, वो अपना दल जिनका अभी कोई वजूद भी नहीं है टूट गया, कृष्णा पटेल वाला एक धड़ा जो मजबूत धड़ा है वो चले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आप वो उनका अपना वो है। आपने आपको क्या अच्छा लग गया कृष्णा पटेल वाले अपना दल में कि आपने शिवपाल जी के ऊपर कहे, शिवपाल जी बड़े नेता तो थे ना, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, तवज्जो तक नहीं दिया आपने, बर्बाद कर दिया बेचारे को आपने। शुरू से ही कांग्रेस जब शुरू में ही उसने कह दिया था जितनी सेकुलर पार्टी है जो देश हित के लिए साथ आना चाहती है हम साथ लेके चलते हैं, लेकिन अब क्या स्ट्रेटेजी हुई, क्या अंदर से ये वरिष्ठ नेता सब समझते हैं कि क्या रणनीति बनी, वरिष्ठ हम जानना चाहते हैं मैम आपसे, हम तो पार्टी लाइन के हिसाब से ही बोलेंगे कि हमें जो मालूम है कि जो आपस में बातचीत तो बहुत सारे दलों से होती है, लेकिन क्या उन लोग के आपस में रणनीति बनी हो ये हम नहीं समझ सकते कि क्या वजह है जो दूरी बनाई रखी गई। ऐसे तो सभी से अलग ही लड़ रही है बिल्कुल कांग्रेस, तो शुरू से ही तो ये हो रहा था कि सारे जो है हो सकता है कि गठबंधन भी हो वो सब चल रहा था, लेकिन अंदर से जो नहीं बैठी अगर नीतियां नहीं बन पाई तो सब अलग अलग हम लोग ने। अब नरेंद्र भाई क्या करेंगे, आप उधर राजा भैया से बड़ा आप उम्मीद लगाए बैठे थे, आपको लग रहा था कि बड़ा करिश्मा हो जाएगा, क्या करिश्मा होने जा रहा है 2019 में बताइए, हम बीजेपी से मिले होते तो हम भी चार सीटें मांग के नहीं लड़ते। अरे जाने दीजिए आप नहीं मिले, आप राजा भैया से मिले हैं ना, राजा भैया से मिले हैं क्या, अरे एक बड़ा सा लखनऊ में एक बड़ी सी रैला करा दिया सर आपने बेवजह, राजा भैया कहाँ है हमारे, पूछ तो रहा हूँ मैं आपको, आपका कोई साथ इतने अछूत क्यों हो गए सर आप, अछूत क्या, हमने पार्टी बनाई सपा पूरा बूथ लेवल तक हमने मेहनत किया, वहां निकाल के बाहर कर दिए गए आप। अरे तो भाई तो ठीक है, मुलायम सिंह जी अपने बेटे को जो है गद्दी पे बैठाना चाहते थे, भाई को नहीं बैठाना चाहते थे, और इस चक्कर में अब बेटा ज्यादा प्रिय था इसलिए गद्दी पे वो बैठ गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गया है, शिवपाल जी को एकदम, तो फिर मानी मुलायम सिंह जी जो है रोज कहते हाँ बेटा पीठ बाहर ठोकते रहे और उसके बाद जो है तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि शिवपाल जी गद्दी के लिए आए थे, किस सेवा के लिए आए थे, समाजवादी पार्टी खड़ी थी, पार्टी में उन्होंने मेहनत किया है जी, शायद कोई सपा का नेता उतना मेहनत किया होगा सर, मानी मुलायम सिंह जी भी उतना मेहनत नहीं किया सर, आप क्यों डिसाइड करेंगे सर, जनता जिसके नेता विधायक जिसके साथ रहेंगे, नेता जिसके साथ रहेंगे, पार्टी जिसके साथ रहेगी, आप कहिए कि हमने मेहनत किया, आपके कार्यकर्ता कहे बहुत हमने मेहनत किया, 3 महीने की पार्टी हमारी, 4-6 महीने की पार्टी, आज हमने पूरा संगठन तैयार कर रखा, आप ही कह रहे हैं अछूत भी हो गए, राजा भैया भी हमारे मंच पे नहीं आ रहे, कांग्रेस ने तो हमको तवज्जो नहीं दिया, हम बुलाएंगे तो आएंगे क्यों नहीं, हमने बुलाया नहीं, और पार्टियों ने बुलाया, 62 पार्टियां 52 पार्टियां आई हमारे साथ, छोटे छोटे सर नाम तक भी नहीं पता, अभी आपसे कहूंगा उनमें 10 का नाम गिना दीजिए, अभी आपसे कहूंगा मैं, आप प्रवक्ता हैं शिवपाल जी की पार्टी के, अभी कहूंगा 10 का नाम गिना दीजिए, शायद आप ठहर जाएंगे, और कहिए तो नाम गिनती करना शुरू करूं मैं। नहीं देखिए ऐसा है, ऐसी इतने पार्टियां बनी, नाम तो 2-4-6 के तो बता ही सकते हैं, 10 की बात, अरे सर कितनी, अभी पता नहीं कितनी संख्या आपने, 50 के आसपास संख्या बता दी आपने भाई, जो ये मतलब हम लोग को पता चला तो हम तो 20% आपको पता चला, आप भी जुमले वाली पार्टी हो गए, केवल जुमले की बात, इतने 50 के आसपास सीटें, 50 के दल आप, ठीक बात है, तो आप भी तो यही कह रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता को 10 दल का नाम पता नहीं जो उनके साथ लड़ रहे हैं, जनता को कहां से पता चलेगा सर, सबको पता है, बताइए ना सर, आप ही बता दिए, चलिए हम तो गिनने के लिए बैठे हैं, बताइए किन किन दलों से हुआ, हम तो भूल गए, हम तो पत्रकार है, पता नहीं कैसे पत्रकार है सर, वो तो ठीक है, 10-20% का नाम बता दीजिए सर आप, वो तो हम जब मौका है तो बता देंगे, मौका है ना सर, मंच है सर, लोकसभा चुनाव है, मंच है सार्वजनिक, सर आप जो है आप कह रहे हैं चुनाव से लेना देना नहीं है, अरे अरे राजनीतिक दल आपके साथ है, चुनाव से लेना देना नहीं है, सबको लेकर के तो आप जा रहे हैं चुनाव में, देखिए जिस पार्टी का हम नाम ले लेंगे उस दल के जो कार्यकर्ता है वो आपको वोट दे देंगे, आप उनका नाम बता दीजिए, वोट तो देंगे ही देंगे जो उसको ओपन। अभी अच्छा आप ये बताइए, आपने बहुरानी के खिलाफ प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा, सौगी एक बार, बहुरानी खिलाफ प्रत्याशी उतारने, भाई देखिए अभी तो
समय बाकी, प्रत्याशी तो उतारना ही पड़ेगा। नहीं उतारा, नहीं उतारा है आपने, अब नामांकन हो चुका है वहां पर, अब क्या उतारेंगे? नामांकन हो चुका है तो भाई अब ऐसा है कि मुलायम सिंह ने कहा होगा कि भाई रे हमारी बहुरानी लड़ रही है, यहाँ पर कैंडिडेट ना उतारो। भाई मुलायम सिंह की बात तो मानते ही मानते, आज भी मानते हैं। अच्छा, साफ साफ छुप, लेकिन घोषणा पत्र में तो कहीं ना मुलायम सिंह का चेहरा, ना मुलायम सिंह का नाम, घोषणा पत्र जारी हुआ है पीएसपीएल का, कहीं पर भी नहीं। भाई माननीय मुलायम सिंह का फोटो लगाया जाता है हर जगह, लगाया, आपके घोषणा पत्र देखते हैं 2019 में आपके हिस्से क्या आता है। अभी तो कांग्रेस की बात है, नहीं कांग्रेस तो, कांग्रेस तो यहाँ से भी हमको लग रही है कि दो सीटें नहीं जीतेगी। रफत फातमा जैसा है क्या ये आपका अपना सोचना है, जबकि हमें लगता है आप कहीं उसमें नहीं है, फाइट में है ही नहीं। बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है, कहते कि एक सीट भी हमको दो नेशनल पार्टी की फाइट है, और कांग्रेस सीट तो मैं आ ही रहा हूँ। देखिए ये निश्चित रूप से था कांग्रेस और पीएसपीएल अगर ये गठबंधन बनता तो निश्चित रूप से एक त्रिकोणीय लड़ाई पूरे प्रदेश में होती और काफी सीटों पे, काफी सीटों पे। रफत जी, रफत जी आपसे एक सवाल ये लेना चाहूंगा, भाजपा जीतती, कांग्रेस ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। चलिए रफत जी आपसे सवाल ये है, जिस तरीके से मायावती उग्र दिखती थी कांग्रेस के लिए, उन्होंने कहा था कि मैं किसी के साथ जाऊं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, उनका स्टेटमेंट था ये। अब पिछले आपने जिस तरीके से रैली हुई, अभी इनकी संयुक्त रैली हुई, उसमें अखिलेश यादव भी अब थोड़ा सा कांग्रेस पर मेहरबान नहीं दिखे। उससे पहले वो दिखते थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस विरोधी बयान नहीं देते, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा एक ही जैसे हैं दोनों दल। तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब यूपी और एनडीए किसी ना किसी के साथ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही दल है जो पूरे देश में लड़ रहे हैं, तो किसी एक पक्ष में तो जाना है, और क्या कहेंगे, मतलब स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मायावती जी क्या बयान दे रही हैं, अखिलेश जी क्या बयान दे रहे हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, उनके अपने व्यू हैं जो भी वो कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपने एजेंडे पे कायम है और उसी पे ही वो चुनाव लड़ रही है, वो जनता के बीच जा रही है, जनता के मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। आगे क्या स्ट्रेटेजी बनेगी ये पोस्ट इलेक्शन हम लोग खुद ही डिसाइड हो जाएगा क्या होना, लेकिन अभी फिलहाल हमें क्या देखना, हमने जो एजेंडा जनता के लिए बनाए हैं हम उनके बीच जाए, उनका भरोसा जीते, जो 5 साल से जनता परेशान है, बेहाल है, जो उससे वादे करे गए थे, जिस तरीके से बीजेपी ने उसको लगातार ठगा है 5 साल से, कांग्रेस उसको बरकरार रख के इन चीजों को देख रही है कि कैसे हम जनता के बीच जाके उसकी जो उसके मन की सुने। अभी तक बहुत मन की बात कह ली, बहुत अपने ही मन की बात लगातार कही जाइए, लेकिन अब हम जनता के बीच उसके मन की सुनने जा रहे हैं। लगातार प्रियंका जी उनसे वार्तालाप कर रही हैं, जो भी हाशिए पे खड़ा इंसान है उससे बात करी, चाहे वो जिस और जो बेहाल रहा है इस पूरे 5 साल, जिनको अपने हक नहीं मिले, यानी कि शिक्षा में बहुत सारे लोग, उनसे मिलने की हम लोग पूरी कोशिश में देख रहा हूँ। वही बदलाव है, पहले दौर का मतदान भी होगा लेकिन वो रंग चढ़ नहीं रहा है इलेक्शन का, क्या क्या हो गया, कमी क्या रह गई, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं कुछ बहुत शांति शांति से दिख रही है, ऐसा लग नहीं रहा आपको? हाँ बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जब वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई, देखिए वो बिल्कुल कुछ डिलीवर नहीं कर पाई, ना 2 करोड़ नौकरियाँ दे पाई, ना 15 लाख रुपया दे पाई, ना वो जॉब जनरेट कर पाई, मतलब सभी उस पर वो विफल रही, और एजुकेशन में भी वो कुछ नहीं कर पाई, किसान के मुद्दे पे भी कुछ नहीं कर पाई, किसानों की आत्महत्या को भी नहीं रोक पाए, और देश बदहाली की तरफ बढ़ता चला गया। और ये आंकड़े जो हैं ऐसा नहीं है, ये आंकड़े जो हैं हंगर इंडेक्स कोई हम लोग नहीं बनाते हैं, ये बाहर के इससे बन के आती जो हंगर इंडेक्स है उसमें हम 103 नंबर पर चले गए 119 देशों में, हैप्पीनेस में हम 140 हो गए 156 देशों में, तो जाहिर है हम हर चीज में। और सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग कंट्री की सूची से निकाल दिया, अब हम किसके साथ हैं, किन देशों के साथ खड़े कर दिए गए, तो ये जाहिर है जब सारी चीजों में विफल रहे तो हम क्या चीज लेके जाएंगे। अनुराग भाई, जो जोश दिख नहीं रहा है इलेक्शन का, जो एक पहले पहले के चुनाव में जो एक गर्मी सी रहती थी, दिखाई पड़ती थी, नजर आती थी, आप सड़क पे चले जाइए बहस होती थी, बड़ा शांति शांति सी है, कहीं नाराजगी है क्या जनता के मन में, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? जो आप गए होंगे अलग अलग इलाकों में, वहाँ क्या महसूस किया आपने, ये इतनी ठंडी ठंडापन क्यों है? देखिए जो ये पहला फेज का जो इलेक्शन बीता कल, उसके लिए वोटिंग होने जा रही है, कहीं ना कहीं ये गठबंधन की एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि जो बीजेपी की जो आक्रामक प्रचार रणनीति है उसके आगे कहीं पर भी गठबंधन ठहर नहीं पा रहा। आप देखिए रैलियाँ, सबसे ज़्यादा बीजेपी ने रैलियाँ उस इलाके में की, उसके बाद मायावती और अखिलेश यादव जाते हैं और वो रैली करते हैं, लेकिन वो ना तो वो प्रचार में उतना स्थान पा पाई, ना मीडिया में कोई ऐसा स्पेस उसे मिल पाया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक रणनीति अपनी बना ली है कि हम बहुत ज़्यादा, अगर हम उनको प्रचार में टक्कर नहीं दे सकते तो हम एक साइलेंट मूवमेंट चला के, कहीं वहाँ पर ध्रुवीकरण सबसे बड़ा खतरा है,
कि अगर ये ज्यादा प्रचार करते हैं तो ध्रुवीकरण भी हो सकता है। तो इस रणनीति के तहत ये कहीं ना कहीं अपने को साइलेंट रखे हुए हैं, और हो सकता है ये आगे जैसे जैसे ये थर्ड या फोर्थ फेज में आएंगे, आप देखिएगा गठबंधन कहीं ज्यादा आक्रामक होगा, क्योंकि ये जो बेल्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वहां पर इनके लिए बेहतर है कि ये जितना खामोशी से अपना प्रचार कर ले जाएंगे उतना ये फायदे में रहेंगे, और ध्रुवीकरण का खतरा वोटों के उतना कम से कम होगा। यहाँ पर ध्रुवीकरण होगा वहां सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है कि देखिए गठबंधन जो है वो साइलेंट काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, और गठबंधन वेस्टर्न यूपी में भी देखिएगा बहुत बढ़िया निकाल रहा है, ऐसी बात नहीं। और जो ध्रुवीकरण की बात करें तो मायावती जी अपने रैली में कह चुकी हैं, जिसका हम लोगों ने बहुत जम के विरोध किया था कि मुसलमान वोट ना दें, वो कह चुकी। देखिए ये लेकिन खुद, एक चीज और सुनाई पड़ रही है, जो है इस समय खुद बहुत बहुत समझदारी के साथ, मैं कहती हूँ पार्टी से ज्यादा वोटर इस समय समझदारी के साथ तैयार है, लैस है वोट देने के लिए, और देखिएगा जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल जैसा सोच रहे हैं उससे विपरीत चौंकाने वाले आएंगे। और ये भाजपा को भी पता है कि उनका पूरी जमीन जो है वो खिसक रही है, इसका उनको बिल्कुल पता है, उत्तर प्रदेश में उनको बहुत अच्छे से पता है कि गठबंधन। अनुराग यादव जी, आपसे समझना चाहूंगा कि चुनाव के बाद की क्या स्थिति बनती दिख रहा है, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आपने एनालिसिस किया है इस तरीके की चीजों को, बीजेपी कहां तक पहुंच रही है, इस बार क्या आंकड़ा छू सकते हैं? जो आप कहना चाह रहे थे वो भी शुभम के सवाल में शामिल कर लीजिएगा। देखिए जो अभी जो जिस तरीके का वो चल रहा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गठबंधन जो है अपना बहुत ही खामोशी के साथ प्रचार की रणनीति उसने अपना रखी है। एक तो बड़ा कारण यह है कि वो जानता है कि हम जो बीजेपी की प्रचार रणनीति है उसमें कहीं उनका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, और ये पूरी तरीके से सत्य है, चाहे आप मीडिया की बात करें चाहे सोशल मीडिया की बात करें, आज कहीं पर भी गठबंधन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस लिहाज से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरीके से चेंज कर रखी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको सुनने में भी आया होगा कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ही ज्यादातर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बुक कर लिए। जब आपके पास कहीं आने जाने का साधन नहीं रह पाएगा तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा, अपने में पांचवा सबसे बड़ा देश है, इसमें अगर आपको प्रचार करना है तो आप ये सोचे कि हम बाय रोड प्रचार कर लेंगे तो ये आज की तो साहब पार्टी को किसने रोका था? भारतीय जनता पार्टी अगर प्लान पहले से बना ले रही है, पहले से बुक कर ले रही है, तो आपको किसने रोका था? समाजवादी पार्टी को किसने रोका था? बसपा को किसने रोका था? भारतीय जनता पार्टी को किसने रोका था? 90% हेलीकॉप्टर्स बुक कर लिए थे। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, विपक्ष उस तरह से लड़ता हुआ शुरू से नहीं दिखा, इसकी जो भी वजह हो, या तो भाजपा जिस तरह से सीबीआई का यूज कर रही थी और तरह तरह का इस्तेमाल कर रही थी उसकी वजह थी कि ये विपक्ष जो है उस तरह से लड़ते हुए हमें दिखा नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस समय जो भी पार्टियां विपक्ष की पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो बाकायदा अपने क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। आप देख ही रहे हैं जो लोग वहां कवर कर रहे हैं ज़मीन पर जाके, तो आज़मगढ़ में काम चल रहा है गठबंधन का, बदायूं में काम चल रहा है, मेरठ में काम चल रहा है, सहारनपुर में काम चल रहा है, ये वो ज़िले जिनको मैं जिम्मेदारी से बता रही हूँ, लखीमपुर में काम चल रहा है, इन सब मोहम्मदी में काम चल रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर वर्कर आपके पास काफी पहुंच गया है, फील्ड लेवल पे कार्यकर्ता वाली पार्टियां हैं, कार्यकर्ता पहुंच चुका है, जमीन पे काम कर रहा है, लेकिन जो माहौल बनना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा अभी तक। जो माहौल एक नजर आना चाहिए था, जैसा आलोक जी ने कहा कि चुनाव का माहौल जो होना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा। नरेंद्र भाई बहुत सी चीजें हैं जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से मौजूदा सत्ता वाली पार्टी ने जिस तरह से इस्तेमाल किया है और अंडरमाइन किया हमारे इंस्टीट्यूशंस को, उसका असर भी है। नरेंद्र भाई, आपके पास तो पूरा मौका था, इस समय चुनाव है 2019 का, शिवपाल जी नए नए नेता हैं, नई पार्टी के नए नए नेता हैं, पुरानी पार्टी की तो बात जाने दीजिए, एक अच्छा सा मौका था, शानदार मौका, तो आप तो दिखते जमीन पे, कम से कम लड़ते दिखते, तो हमें तो कहीं दिखी नहीं कहीं शिवपाल यादव की प्रस्पा का, शिवपाल यादव की पार्टी प्रस्पा का कहीं नाम है, उनका बैनर क्या है, उनका पोस्टर क्या है, उनकी डिजाइन क्या है, संगठनिक आदमी है हमारे यहाँ, लेकिन जमीन पे कहाँ दिख रहे हैं? देख तो रहे, मैंने कहा ना कि मेरे दिमाग में कोई इतना, अरे सर इतना बुरा हाल होने के बाद गठबंधन किया,
आज जो है अखिलेश जो है जाते हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर है, और जाते हैं तो मायावती जी के सामने झुक के। अरे नरेंद्र भाई कुछ और कहना चाहते हैं, जाने दीजिए, आपको रोकना चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा नरेंद्र जी, हमारे पास अब समय नहीं है, समय पूरा हो चुका है डिबेट का, तो कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। लगातार आपने देखा कि किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के बीच आज नामांकन हो गया है राहुल गांधी का, और आने वाले समय में वहां चुनाव भी होने वाला है, देखने वाली स्थिति होगी आखिर अब ऊंट किस पाले बैठेगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, आप देखते रहेगा।